लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में राज्य के विभिन्न शहरों में नए टाउनशिप विकसित किए जाने के संबंध में बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जाए। उन्होंने मैदानी क्षेत्रों में 5 एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 3 टाउनशिप विकसित किए जाने की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उत्तराखंड में आई आपदा के चलते कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल ढह गया, जिससे भावर क्षेत्र का संपर्क कोटद्वार से पूरी तरह टूट गया है। इस पुल से गुजर रहे 2 लोग हादसे का शिकार हो गए। इस पुल के तेज बहाव में टूटने की आशंका पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जता दी थी। उन्होंने इसके संबंध में एक पत्र प्रशासन को भेजा भी था। विधानसभा अध्यक्ष की संभावना के बाद भी ना तो जिलाधिकारी ने इस पर कोई ध्यान दिया और ना ही शासन में बैठे अधिकारियों ने। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपने पत्र के जरिए पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि कोटद्वार में मालन नदी का ये पुल खनन माफियाओं की भेंट चढ़ा हुआ है। इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए, नहीं तो पुल कभी भी गिर सकता है। साहब, जिस कारण से भी गिरा हो, हम तो दवा आपसे दीवार मांग रहे थे ना, हम तो आपसे मांग रहे थे कि हमें आप उसको ठीक करने के लिए दीजिए। ई के माध्यम से हमने 25 बार आप लोगों को लिखा है, हमने खुद, मैंने आपको खुद लिखा है। This is very unfortunate, Mr. Sinha. And now I want this bridge to be, whatever has to be done, I want it done at a very fast speed. Because this joins Bhabar to Kotdwar. आधी हमारी जो population है, वो उस तरफ रह गई है। हर सुविधा के लिए उन्हें कोटद्वार आना पड़ता है। And now I don't know what you're going to do, how you're going to do it. आपदा में, भयंकर आपदा में ये चीज़ हुई है, अब आप उसको किस तरह से कर सकते हैं? मैं कल को देहरादून आ रही हूँ, and I want to sit with you with solutions, with immediate solutions. उत्तराखंड में आपदा का दौर जारी है। अगले 4 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले में अत्यधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। तीनों जिलों के जिलाधिकारी को 14, 16 और 17 जुलाई को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इन 3 दिनों में कहीं कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश और बिजली चमकने की भी आशंका है। धामी सरकार ने भारी बारिश के अलर्ट के चलते 14 और 15 जुलाई को प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी और SDRF की टीमों को प्रभावितों की हर संभव सहायता एवं जल निकासी के लिए त्वरित प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को उत्तराखंड के शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक में भाग लेने वाले उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, अध्यक्ष करण माहरा, प्रभारी देवेंद्र यादव सहित अन्य नेता शामिल रहे। देहरादून में देर रात आशा रोड़ी चौकी के पास एक कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा कांवड़िए घायल हो गए। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी आशा रोड़ी और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल थे, जिनमें से 3 गंभीर घायलों को तत्काल मौके पर ही देहरादून की तरफ आ रही एक प्राइवेट एम्बुलेंस से दून चिकित्सालय भिजवाया गया है। तो ये थी फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook पेज K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। कि मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।